दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्क्रब और डिटेन करने का सही तरीका, किस तरीके से करें तो चेहरे पर अच्छा निखार आए, चेहरे पर ग्लो आए। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देख, चेहरे पे कुछ भी लगाने से पहले चेहरे को पानी मार करके इस तरीके धो लेना है, साफ कर लीजिए। चेहरे पर जो भी धूल गर्द मिट्टी लगा हो साफ हो जाए। चेहरे धोने के बाद में दोबारा से पानी मार देना इस तरीके से पूरे चेहरे पर। अब हम लगा देंगे इनके चेहरे पर स्क्रब। ये दोस्तों लोटस वाइट ग्लो स्क्रब, बहुत अच्छा स्क्रब होता है। तो डिटेल लगाने से पहले आप चेहरे पर स्क्रब करना ज़रूरी है आपको। जब भी आप स्क्रब और डिटेल पैक करें तो डिटेल पैक लगाने से पहले आप स्क्रब कर लीजिए चेहरे को। हमने इनके चेहरे पर लगा दिया है लोटस वाइट ग्लो स्क्रब। इस तरीके से मसाज करना है बढ़िया से, पूरे चेहरे पर दबा के आप मसाज करिए। इस तरह से आपको मसाज करना है पूरे चेहरे पर, गले पर, मथे पर, सब जगह। जितने अच्छे से आप स्क्रब मसाज करेंगे उतने अच्छा चेहरा आपका साफ होएगा, उतने अच्छा चेहरे पर निखार आएगा, चेहरा उतना अच्छा ग्लो करेगा। दोस्तों, पूरी कलाकारी मसाज करने में होता है। जितना अच्छा आपका हाथ चलेगा, जितने अच्छा आप स्क्रब मसाज कर ले जाएंगे उतने अच्छा चेहरे पर निखार आता है। डिटेन पैक करने से पहले आप कोई भी चेहरे पर स्क्रब लगा करके आप इस तरीके मसाज कर दीजिए बढ़िया से कम 10 से 15 मिनट तक का आपको मसाज करना है। 15 मिनट मसाज करने के बाद में धो देना है चेहरे पर। जितना भी क्रीम मटेरियल लगा है पूरा धो लीजिए, साफ कर लीजिए। दोस्तों, स्क्रब में आप कोई फेस वॉश या मसाज क्रीम मिला करके आप मसाज कर सकते हैं। स्क्रब के साथ में आप क्रीम मिला दीजिए कोई भी, या आपके पास जो भी फेस वॉश है उसको थोड़ा सा मिला दीजिए। स्क्रब कम से कम 10 से 15 मिनट तक का करना होता है। 15 मिनट स्क्रब करने के बाद में आप चेहरे को धो दीजिए बढ़िया, साफ कर दीजिए। हमने इनके चेहरे को साफ कर दिया, धो दिया है, बहुत अच्छा मसाज हुआ है। करीब 15 मिनट तक का हमने मसाज किया था। अब हम इनके चेहरे पर लगाएंगे दोस्तों, ये है 71-26 डिटेन पैक। तब हम डिटेन पैक लगाएंगे इनके चेहरे पर। इस डिटेन पैक में कुछ मिलाना नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट इसको लगा दीजिए। आपके पास अगर ब्रश है तो ब्रश से लगाइए, ब्रश नहीं है तो उंगली से लगा दीजिए। इस तरह से पूरे चेहरे पर लगाना है। धीरे धीरे इस तरह सब जगह लगा देंगे, मथे पर, गाल पर, गले में, आँखों के ऊपर, नीचे, सब जगह लगाना है इसको। डिटेन पैक में कुछ मिलाया नहीं जाता है, इसको डायरेक्ट लगा दिया जाता है। लगाने के बाद में इसको आप सूखने के लिए छोड़ दीजिए 10-15 मिनट, 20 मिनट, जो भी सूखने में टाइम लगे। डिटेन पैक आप जब भी करिए चेहरे पर तो एक बराबर से लगना चाहिए, कहीं भी कम ज़्यादा ना रहे, एक लेवल में होना चाहिए सब जगह। एक लेवल में अगर लगा रहेगा तो बराबर सूखेगा। मोटा पतला आप लगा देंगे तो जहाँ कम लगा रहेगा वहाँ जल्दी सूखेगा, जहाँ मोटा रहेगा वहाँ देर में सूखेगा। लगाते समय इस चीज़ का ध्यान रखें कि पूरे चेहरे पर एक लेवल में होना चाहिए, कहीं भी मोटा पतला ना रहे। इस तरह सब जगह लगा देना है, पूरा चेहरा पैक कर दीजिए, आँखों के ऊपर, नीचे, सब जगह। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने पूरे चेहरे पर लगा दिया है।
अब हम इसको छोड़ देंगे सूखने के लिए, 15 से 20 मिनट तक का सूखेगा ये। बीस मिनट सूखने के बाद में इसको छोड़ा लेना है, हल्का सा पानी मार दीजिए, पानी मार कर ज़रा सा मसाज कर देंगे पूरा छोड़ जाता है। ज़रा देर तक का मसाज करना नहीं है, बस खाली पानी मार कर हल्का सा मसाज करेंगे तो छूट जाएगा। छोड़ा करके इस तरीके से स्पंज से आप पोंछ लीजिए, साफ कर लीजिए। अभी हम धो करके आपको दिखाते हैं इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार रहा है, चेहरा कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। इस तरीके से छुड़ा लीजिए जो रह गया है चेहरे पर, पानी मार करके छुड़ा लेना है पूरा। दोस्तों अभी हम धो करके साफ करके आपको दिखाते हैं इनके चेहरे पर कितना अच्छा निखार आया है, चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। अभी हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए इनके चेहरे का निखार देखिए, चेहरे का ग्लो देखिए। दोस्तों इस तरीके से मेहनत करके आप किसी के भी चेहरे को अच्छा निखार दे सकते हैं, चमका सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मेहरबान।